वजीरआजम हवाले शहबाज करो। शरीफ ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले ने भांडा फोड़ दिया है, इसे मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। ओ यार, क्या भंडा और क्या फॉरेन फंडिंग, मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती। ये वेस्ट के थूके हुए निवाले उठा के ना चबाने लगते हैं। क्या फॉरेन फंडिंग हुए? सारा मुल्क मुद्दतों से फॉरेन फंडिंग पे ही चल रहा है, कुछ शर्म नहीं आती? उस पे सूद भी दे रहे हैं, मुल्क के नाम के साथ इस्लामी का तड़का लगाया हुआ है। और कर्ज खा कहते हैं जिबा किए हुए जानवर की तरह होता है, सुना आपने? ये मुल्क फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है जो रियासती सतह पे ली जाती है, तो क्या रियासत खुद अपने खिलाफ गद्दारी कर रही है? ऊपर से सूद भी दे रहे हो, जो अपने मकरू तरीन जो चीजें हैं हमारे दीन में, उनमें सूद है। अच्छा, पाकिस्तान के लाखों घराने फॉरेन फंडिंग पे चल रहे हैं, जिन घरों को यह मुल्क नहीं पाल सका, उनके बेटे, उनके बाप, उनके शौहर बैरून मुल्क मजदूरियां करते हैं, और ना सिर्फ अपने घरों को पालते हैं बल्कि इस रियासत को पालते हैं। फॉरेन फंडिंग, अब कुछ लफ्जों सोच के इस्तेमाल करो, जो उधर से मिला वो चाय को धुतकारा हुआ, फेंका हुआ निवाला था, उठा के मुंह में डाल लिए। वेस्ट की नकलें, जमहूरियत, और पहले जमहूर को तो देख लो, जमहूर को पढ़ा लिखा लो, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दो ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वोट दे सकें। वो जज्बाती तौर पे जहालत और जज्बात, ये इनका चोली दामन का साथ है, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जात बरादरी के नाम पे, मसलक के नाम पे, छोटी मोटी नौकरी के नाम पे, कीमे वाले नानों पे, बिरयानी की देगों पे, उसको जो आता है, भेड़िया भी मिल जाए वैसे से ना, ये कान से पकड़ के। वो शौकत अजीज आया था, वो कर गया वो क्या, गाड़ियां लीजिंग पे, और मैंने तब भी कहा था होश कर, हम और तरह के लोग हैं, हम अभी इमच्योर हैं। जो मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता था वो घुस गया, कोई छोटी मोटी पता नहीं 600 800 सीसी गाड़ी में, जो वो था वो उससे जरा 1200 1300 सीसी गाड़ी में घुस गया। इन लोगों को शऊर नहीं है, दे लैक विजडम। ये जहीन हो सकते हैं और जहानत शैतान होती है, इनमें दानिश नहीं है, दर्द दिल नहीं है, ये को बात है करने वाली। अच्छा।